बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, आप में से ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को अभी इसका जो नेविगेशन सिस्टम है ना वो अभी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल, जो आप लोगों के लिए थोड़ा समझना ज़रूरी है, वरना आप लोगों को फिर आगे मॉडलिंग में काफ़ी सारी जो है ना परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी और थोड़ा सा काम आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉडलिंग बेसिकली आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो हम लोग एक मैश के अंदर से, यानी कि मैश होती है जाली से, लफ्ज़ निकलाइए, ठीक है। एक मैश के थ्रू हम लोगों ने अपना एक मॉडल को बनाना होता है, हम लोगों ने अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को बनाना होता है, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ जो हैं क्या कहते हैं कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसको आपने हर सूरत में उसको फॉलो करना होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे होते तो फिर आपकी जो मैश है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बनता, ठीक है। तो जो आपकी मॉडलिंग है, मॉडलिंग के अंदर जो 3D मॉडलिंग है उसके अंदर हमारे पास 3 एक्सिस काम कर रहे होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं हमारे पास? 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक्स होता है, एक वाई होता है और एक होता है जी एक्सिस। अब ये जो भी आपके पास इस तरह के फ्लाइट्स वगैरह आते हैं, ये आपके पास कोई भी आप एडोब फोटोशॉप खोल लो या एडोब इलस्ट्रेटर खोल लो तो उसके अंदर 2 एक्सिस ही आपको मिलेंगे। एक होगा एक्स और एक होगा वाई। एक्स आपका हॉरिजेंटल होता है और वाई आपका वर्टिकल में आ जाता है, ठीक है। इस तरह उसकी लाइंस लगी हुई होती हैं। अब उसमें सिलसिला ये है कि जो 3D ऑब्जेक्ट है उसके लिए आपके पास एक थर्ड एक्सिस भी होना चाहिए जिसका नाम है जी। तो उसमें जी पॉजिटिव भी होता है, जी नेगेटिव भी होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो कुछ कलर्स हैं, तो इन्होंने एक्सिस के कुछ कलर्स रखे हुए हैं जो आपको याद रखने होते हैं। जो एक्स एक्सिस होता है ताकि यूज़र जब उसको देखे तो उसको फ़ौरन गेट कर ले कि यार ये एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा रेड में होगा, आपको रेड कलर में आपको एक्स एक्सिस मिलेगा। जो वाई एक्सिस होता है वो हमेशा आपको ग्रीन में मिलेगा और जो जी एक्सिस है वो ऑब्वियसली आपको ब्लू में मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है? अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैं ग्रैब करवाता हूँ। तो ये मैं इसको जब ग्रैब करवा रहा हूँ तो ये मैं इसको फ्री ग्रैब करवा रहा हूँ, मतलब इसका कोई एक्सिस अभी डिफाइन नहीं है, लॉक नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसके एक्सिस को लॉक करना है तो मैं किसी भी शॉर्टकट के बाद आप एक्स वाई या जी का बटन दबा दोगे तो वो एक्सिस लॉक हो जाएगा। रिपीट करें मेरी इस बात को, किसी भी एक्सिस के साथ, किसी भी ऑपरेशन के साथ, चाहे वो मूव हो, चाहे वो ग्रैब यानी कि स्केल हो या रोटेट हो, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन के साथ आप एक्स वाई जी आप प्रेस कर दोगे तो वो ऑपरेशन लॉक हो जाएगा वहां पर, उसके उस एक्सिस पे जो आप प्रेस करोगे। क्लियर हो गई ये बात? मिसाल के तौर पे मैंने इसको ग्रैब करना है तो जब मैं ग्रैब करने के बाद जब एक्स प्रेस करूंगा तो क्या होगा? ये एक्स में लॉक हो जाएगा। वाई प्रेस करूंगा तो क्या होगा? वाई में लॉक हो जाएगा। और अगर मैं जी प्रेस करूंगा तो क्या होगा? जी में लॉक हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है? अच्छा, कॉपी पेन तो लाए होंगे आज आप सारे। तो ये जो सारी जो गेम है आपके पास, जो मॉडलिंग की पूरी थ्योरी है पीछे, इन 3 एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है। जो चीज़ हमने बनानी है और बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर बनानी है तो हम उसके एक्सिस को ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात? ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और अपना स्क्रोल के बटन को मैं प्रेस करके ग्रैब करता हूं तो ये मुझे हर तरफ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाएगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं और मैं स्क्रॉल को ग्रैब करता हूं तो क्या होगा? ये मुझे पूरे के पूरे जो 3D व्यू पोर्ट है उसको पैन करेगा, यानी कि इसको हिलाने की पोजीशन में ले आएगा। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल को अप एंड डाउन करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो ये मेरे पास टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट या किसी भी जो आपने इसको एक्सिस में लॉक करना होगा इसके जो व्यू पोर्ट है तो आप इसको लॉक कर सकते हैं।
यानी कि अगर मैंने ऑल प्रेस किया है और मैं यहाँ पर इसको मैं देखना चाहता हूँ, तो ये मुझे फ़ौरन इसके ऑर्थोग्राफिक व्यू में ले आएगा, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है, जो हम लोग व्यू पोर्ट को लॉक करते हैं, हम लोग टेल्डा की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे उसका एक पाए मेन्यू ओपन हो जाता है, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरा फ्रंट व्यू है, और अगर मैं पाए मेन्यू पे जाता हूँ, मैं राइट में जाना चाहता हूँ, तो मुझे पता लगे था ये ही मेरा राइट व्यू है। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर ब्लेंडर आपको, ये तो हमारा था व्यू पोर्ट एंड नेविगेशन और इसका इंटरफेस। अब हमने ये देखने का ब्लेंडर हमें मॉडलिंग के लिए दे क्या क्या रहा है, ठीक। तो मॉडलिंग फ्लोज एंड फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों को आज मैं ये बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसका तरीका ये है कि पहला आपके पास जो है, एक है सप्लाइन एंड कर्व मॉडलिंग। सप्लाइन एंड कर्व मॉडलिंग क्या होती है, इसको हम देखेंगे, यानी कि मॉडलिंग के तरीक़ेकार। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि मिसाल एग्जांपल है कि आप लोग घरों में क्रॉकरी तो सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टील के बर्तन होते हैं, कुछ सेरेमिक के बर्तन होते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुछ लोगों ने जो मार्बल्स होते हैं वो उसके बर्तन होते हैं, कुछ लोहे के लोग बर्तन यूज़ करते हैं, कुछ पीतल के, यानी कि ये मटेरियल चेंज होता जा रहा है, लेकिन इन द एंड ऑफ द टाइम आपको क्रॉकरी ही मिल रही है। इसी तरीके से आप जब घरों के बात आते हैं, रोड के ऊपर आते हैं, कुछ मिट्टी के रोड हैं, कुछ जो चार गोल हैं उसके रोड होते हैं, कुछ आपके पास जो इस तरह के पक्के रोड होते हैं, कुछ कच्चे रोड होते हैं, यानी कि रोड की कैटेगरीज चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से मॉडलिंग की भी कैटेगरीज होती हैं, यानी कि आप जो डिजिटल मॉडलिंग कर रहे हो उसके बनाने के तरीक़ेकार क्या क्या होते हैं। तो एक जो तरीक़ाकार है सप्लाइन या कर्व मॉडलिंग, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है जो ब्लेंडर में यूज़ होता है। एक है बॉक्स मॉडलिंग, यानी कि आप क्या करते हो, बॉक्स को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आते हैं सप्लाइन एंड कर्व मॉडलिंग में, तो आप ये देख लें कि इस तरह आपके पास कुछ सप्लाइंस हैं, कुछ कर्व्स आ जाती हैं आपके पास, लाइक ये कर्व है, एक पाथ है, उसके बाद आप इसे इस तरह 3D फॉर्म पे ले आते हैं और इस फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह की कर्व्स होती हैं, आप उसको इस तरह 3D फॉर्म में लेके आ सकते हैं। कुछ इस तरह की कर्व हैं, कुछ सप्लाइंस हैं, तो ये सप्लाइंस होती कहाँ पर हैं, ये सप्लाइन आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये कर्व हैं, तो ये मेरे पास सारी की सारी कैटेगरीज आ गई कि अगर आप सप्लाइन या कर्व मॉडलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी आपके पास ये है सप्लाइन एंड कर्व मॉडलिंग की, दूसरी आपके पास कैटेगरी है बॉक्स मॉडलिंग की। तो जो बॉक्स मॉडलिंग है उसका जो है किस तरीके से होता है, बॉक्स मॉडलिंग में ये होता है कि आपके पास एक बॉक्स होता है, यानी कि ये बॉक्स है, इसके कुछ लूप ऐड करेंगे, कुछ और ज्योमेट्री ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डिलीट कर देंगे और ये हमारे पास फाइनली फेस आ जाएगा इस तरह। तो ये बॉक्स मॉडलिंग का प्रोसेस है, बॉक्स मॉडलिंग के अंदर इस तरीके से लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि ये एक कैटेगरी है, इसने एक बॉक्स लिया, फिर इसने इसको इस तरह किया, फिर ऐसे एंड फाइनल शेप आपके पास ये है, ठीक है। ये भी बॉक्स मॉडलिंग का एक प्रोसेस है, उसने बॉक्स मॉडलिंग इस तरह की, उसने क्या किया, एक बॉक्स लिया और उसने इससे इस तरह उसके हाथ बना लिए, ठीक है। तो ये आपके पास बॉक्स मॉडलिंग है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें, उसने ये बॉक्स लिया, फिर इसने इसको इस तरह सब डिवाइड किया, फिर इसने इसके इस तरह की शेप एक फॉर्म बनाई एंड द फाइनली ही गेट हिज वर्कआउट, यानी कि उसने इस तरह बना ली, यानी कि ऐसी मॉडलिंग जो हम बॉक्स को तोड़ फोड़ के हम लोग करेंगे और वो हमारे पास बॉक्स मॉडलिंग आ जाएगी। तो एक है हमारे पास सब डिवीजन मॉडलिंग। सब डिवीजन मॉडलिंग बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस है कि इसमें ये होता है कि आप बड़ा हाई पॉली में रहते हुए काम करते हो, वो सब डिवाइड क्या करता है कि किसी भी पॉलीगॉन को चार हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो आपके पास ये एक पॉलीगॉन है इस तरह की एक शेप, और आप जब इसको सब डिवाइड करोगे तो वो इस तरह की बन जाएगी। एक दफ़ा अगर हम करके देखें मिसाल के तौर पर कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ पर प्रेस करके ऐसे करता हूँ तो क्या मेरी वो शेप निकलेगी। तो इसको मैं एक्स प्रेस करके इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो इसको हम लोगों ने करना सब डिवाइड। तो अगर मैं कंट्रोल टू करूँगा तो ये सब डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, वैसे ही हो रहा है मेरा ये काम।
तो ये सब डिवीजन मॉडलिंग है। तो आप इसके अंदर पाइप बना सकते हैं, इसके अंदर माउस बना सकते हैं, इसके अंदर वट एवर जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हो। उसने ये देखें एक बड़ी प्यारी सी कैटल बनाई है, उसने एक तरह की एक चेयर बना ली है, उसने एक बॉटल बना ली है, तो इसने इस तरह माउस बना ली है। तो ये सारा काम सब डिवीजन मॉडलिंग में होता है। लो पोली के अंदर आप डायरेक्ट रहते हुए सब डिवीजन मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है सब डिवीजन मॉडलिंग, ठीक है। पहला हम लोगों ने पढ़ा सप्लाइन से मॉडलिंग हो जाती है, फिर हमने देखा बॉक्स से भी मॉडलिंग हो जाती है, फिर हमने देखा सब डिवीजन से भी मॉडलिंग कर सकते हैं आप। सब डिवीजन एक प्रोसेस है मॉडलिंग करने का, और एक बहुत ही आजकल आप लोगों को फेमस प्रोसेस नज़र आ रहा होगा, वो है स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप इसके दो बड़े जो हैं सॉफ्टवेयर जो बड़े फेमस हैं, जैसे जी ब्रश है और ब्लेंडर, तो वैसे ही आपको स्कल्पिंग का पूरा वो एक फ्री फॉर्म वो देता है। तो इसमें ये करते हैं कि आपने अपने वर्टेक्स को पुश एंड पुल करना होता है, तो आपके पास आपका स्कल्प आ जाता है। तो यानी कि आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप कोई लिमिट नहीं होती, इसमें लो पोली और हाई पोली कोई लिमिट नहीं होती। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, अपने ऑब्जेक्ट्स को स्कल्प करना होता है, और अपने जो एक स्फीयर है उसको आप तोड़ तोड़ के एक फाइनली एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी कि जैसे कि मिट्टी के साथ आप काम कर रहे होते हैं, मिट्टी को आप ले लेते हैं और उसके अंदर आप बर्तन बना लो या जो भी मर्जी आप बनाना चाहते हैं बना लें। तो ये स्कल्पिंग है इसकी बहुत ज़्यादा, यानी कि जो करेक्टर मॉडलिंग करना चाहता है तो उसके लिए स्कल्पिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक स्कल्पिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, मॉडलिंग का भी। इसी तरीके से एक है बुलियन, ठीक है। बुलियन के अंदर क्या होता है कि आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना होता है, और उसके बाद आके वह बुलियन मॉडलिंग आ जाती है। लाइक ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं आपके, उसने सिलेंडर को ले लिया, फिर इसे सफ़ियर ले लिया, उसने इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उसने ये मॉडल बना दिया बुलियन में, एक ये भी बुलियन मॉडलिंग है, ठीक है। तो इसमें इंटरसेक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट है, और आपका एक बड़ा फेमस है यूनियन है, ठीक है। ये भी आपके वही जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर बुलियंस काम करते हैं, ये सेम टू सेम वैसे ही है। तो जो मेटाबॉल्स हैं, मेटाबॉल्स के अंदर क्या है, आपका जो ब्लेंडर है इसके अंदर आप लिक्विड सिस्टम बनाते हैं, या आप आपके पास बॉल्स आ जाती हैं, आपने इनको जोड़ जोड़ के एक ख़ास किस्म की शेप देनी होती है, ख़ास तौर पे लिक्विड सिमुलेशन के लिए, या अगर जिसने कोई पानी की एनिमेशन निकाल ली है तो उसके लिए मेटाबॉल्स यूज़ होती हैं इसके अंदर। और ये इसके अंदर ऑलरेडी हैं, अगर आपको यहाँ पर नज़र आए फिफ्थ पे फोर्थ, ये रहा मेटाबॉल्स, ठीक है। बॉल्स हैं, कैप्सूल्स हैं, प्लेन्स हैं, एलिप्स हैं। तो ये एक प्रोसेस है मॉडलिंग का। खैर हमारा तो ये डिपार्टमेंट नहीं होगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद है नर्व्स, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी लाइंस। ये समझ समझ लें कि सब डिवीजन की बहन ही है ये एक तरीके से, ठीक है। तो आप लोग नर्व्स मॉडलिंग जो है ज़्यादातर हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए यूज़ होती है, लाइक दिस कार, ये कार है, ठीक है। ये सारी की सारी आपके पास नर्व्स मॉडलिंग के अंदर, ये बड़ी हार्ड सरफेस और बड़ी सॉफ्ट सरफेस के साथ अगर आपने काम करना हो तो फिर आपको नर्व्स मॉडलिंग की तरफ आना पड़ता है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक ग्रे लाइंस होती हैं, ठीक है। ये फिर आपको किसी भी ज्योमेट्री में जब लेके जाते हैं तो वो उसको 3D फॉर्म में इस तरह ले आता है, ठीक है, सिंपल मैश में। तो खैर इनको अभी यहीं पर ही रखें आप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तक ही रखें, तो आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए। बाकी जो है ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। जो एक ज्योमेट्री है उसमें क्या क्या होता है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। एक ज्योमेट्री में एक कोई भी मैश उठा लें, वो आपके पास होता है उसमें एक वर्टेक्स होता है, एक एज होता है और एक फेस होता है, और वो खुद एक एलिमेंट होता है। चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो वर्टेक्स हैं आपके पास, इसमें अगर मैं आता हूँ तो ये मेरे पास एडिट बोर्ड में आऊँगा, तो ये मेरे पास इसका एक वर्टेक्स है, ठीक है, ये एक वर्टेक्स है। एज आप लोगों का आइडिया होगा कि मैं अगर टैब प्रेस करके टू पे आता हूँ तो ये मेरे पास एक एज है यहाँ पर, और ये जो पूरा एक मेरे पास अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास पूरा एक फेस है। ओके,
इसका मैं हटा लेता हूँ इसकी जो सब डिवीजन है, ताकि आपको ज़रा थोड़ी जल्दी समझ में आ जाए। मैं ख़त्म कर देता हूँ इसके यहाँ से, ये एक पूरा कंप्लीट आपको फेस नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्या एडिशनल चीज है वैसे मॉड्यूल में जो तुम? इसके अलावा जो है पॉलीगॉन्स एंड क्वाड क्या होते हैं, ट्राइंगल एंड ट्राइस क्या होते हैं, ये हम लोग आगे आहिस्ता आहिस्ता अपने लेक्चर्स के अंदर देखते जाएंगे और इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि हम लोग मॉडलिंग सीरीज किस तरीके से कर रहे हैं और हमें इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और लास्ट आप लोगों ने बनाया था एक बेसबॉल बैट, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसबॉल बैट बनाया था, ठीक है। तो उसी लेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज और चीज़ें बनाते हैं, ताकि तरह प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाए। तो मैं कुछ चीज़ें ढूंढ लेता हूँ। तो अगर आप इस बॉटल को देखें, ठीक है, आप इस वैस को देखें, अगर हम ये वैस बनाना चाहें तो हम ये कैसे बनाएंगे? इसको मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, तो आज इसी को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। शिफ्ट ए, और इसके बाद मैं ले आता हूँ यहाँ पर सर्कल, और जो मेरे पास सर्कल है इसकी जो डिवीजन है मैं कर देता हूँ 16। और अब हम लोग इसको आज बनाना शुरू करते हैं इसकी फॉर्म को। तो मैं क्या करूँगा, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद एज मोड में आ रहा हूँ। और अब इसके लिए ज़रूरी है कि मैंने सारे एजेस ही सिलेक्ट किए हों। क्या किए हुए हों? सारे एजेस सिलेक्ट किए हों। तो अगर मैंने सारे एजेस को इकट्ठा सिलेक्ट करना हो तो मैं ए प्रेस कर दूंगा। तो इसकी जो सिलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? ए, ठीक है। अब मैं इसको फ्रंट व्यू से देखना चाहता हूँ। कहाँ से देखना चाहता हूँ? तो मैं टेल्डर प्रेस करूँगा और फ्रंट पे आ जाऊँगा, या मैं डायरेक्ट 7 नंबर प्रेस कर दूंगा तो मैं फ्रंट एलिवेशन में आ जाऊंगा। तो मैं इसकी बेस से शुरू करूंगा और इसके बाद यहाँ तक लेके आऊँगा, ठीक है। आज मैं देख के बनाऊंगा, आज मैं इमेज इसके पीछे नहीं रखूँगा, ठीक है, क्योंकि तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और स्क्रॉल के बटन को प्रेस करते हुए नीचे आ रहा हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। अब ये एक्सट्रूड हो रहा है अपनी मर्जी से, फ्री। इसको मैंने मुझे किस एक्सिस में लॉक करना चाहिए? जी एक्सिस पे। तो मैं जी प्रेस कर दूंगा तो अब मेरा जी एक्सिस की तरफ लॉक हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये लॉक भी रहे और इसका स्केल भी बड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो है इसका थोड़ा सा पेट यहाँ पर मोटा सा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एस प्रेस कर देंगे, और बल्कि मैं जी प्रेस करके इसको यहाँ पे लाके छोड़ रहा हूँ, और इसके बाद मैं एस प्रेस कर दूंगा और इसको एक अंदाजे के मुताबिक बड़ा कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? कोई मुश्किल चीज़ कोई किसी को ना समझ में आई हो बिला झिझक पूछ सकता है। ग्रैब किया ना मैंने इसको ऊपर, ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैं फ्रंट व्यू में आया, मैंने इसे एक्सट्रूड किया, फिर मैंने इसको कर दिया जी एक्सिस की तरफ लॉक, जी प्रेस कर दिया इसको, और इसके बाद यहाँ ला के छोड़ दिया। ये समझ में आ गया? हनान समझ में आया ये? ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको बड़ा करना है, स्केल को बढ़ाना है। तो जब मैं एस प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, इसके स्केल को बड़ा कर देगा। हनान समझ में आ गया? अब ऐसा आपको अच्छा, मैं दोबारा इस व्यू में आ रहा हूँ। मैं इस व्यू में बार बार इसलिए आता हूँ कि मुझे आसानी रहती है कि मेरा जो साइड व्यू है बिल्कुल ठीक बने। दोबारा एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जी की तरफ लॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा और इसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोबारा मैं ऊपर आ रहा हूँ, मैं स्केल प्रेस करके छोटा कर रहा हूं। कोई मुश्किल नहीं। दोबारा मैंने एक्सट्रूड किया और इसके बाद मैंने जी प्रेस किया, इसको थोड़ा सा मैं बाहर निकाल दूंगा। कोई मुश्किल नहीं हुई।
अब मैंने इसके अंदर टेपरपन लेके आना है, ये गोलाई लेके आनी है। मैं कैसे लेके आऊंगा, मैं ऑल प्रेस करूंगा और एक एज के दरमियान में क्लिक कर दूंगा तो ये सारा लूप सिलेक्ट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, लूप सिलेक्ट करना। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी प्रेस करूंगा और माउस को, अच्छा एक काम आपने और करना, आप लोग गलती क्या करते हो, आप सिलेक्ट करके ना कंट्रोल बी यहीं कर देते हो, आप लोगों से बेवल होता ही नहीं है फिर ये, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लूप सिलेक्ट करके आपने कर्सर इधर ले आना अपना, इस साइड पर, यहां पर, ठीक है। अब आपने कंट्रोल बी प्रेस करना है, इससे ये होगा कि आपको ग्रैब करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, स्क्रॉल अप करते जाएं, ये असल में हो ये रहा है कि ये इधर ये रखा हुआ है ना, तो मैं इधर ले आऊंगा इसको, ठीक है, कंट्रोल बी और मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ और इसके बाद इसको अप कर रहा हूँ और लूप डाल दी और ये मैंने इसको ऐसे बना दिया। एक फॉर्म आ गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब ये ऊपर से भी तो टेपर है, हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लूप सेलेक्ट करेंगे और हम लोग कंट्रोल बी प्रेस करके इसको दोबारा यहाँ पर लूप दे देंगे, ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा हम लोग डिटेल वर्क कर लेते हैं। अब दोबारा हम लोग यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा लूप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद एक्सट्रूड प्लस करके, साथ ही मैं एस प्रेस कर दूंगा तो मेरा स्केल ऑन हो जाएगा और इसके बाद हम लोग इसको मिला देंगे। अब मैं चाहता हूँ ये वर्टिसेस आपस में जुड़ जाएं, एम प्रेस करूंगा, एड सेंटर कर दूंगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस वैस के कॉर्नर जो हैं थोड़े से स्मूथ हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने पूरे लूप पर, कंट्रोल बी प्रेस करूंगा और इसके बाद मैं बिल्कुल लाइट सा इसको टेपर कर दूंगा, कम से कम ये इसकी स्मूथनेस नज़र आए मुझे यहाँ पर। अब ये थोड़ा इसका एरिया फिल हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, दोबारा हम इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, ई प्रेस करूंगा, दोबारा स्केल प्रेस करके इसको अंदर की जानिब एक्सट्रूड कर दूंगा और ये अंदर होना चाहिए आपके, तो हम क्या करेंगे दोबारा, अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये अंदर कितना आएगा और इसके मतलब मैं चाहता हूँ कि अब ये मैं ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकूँ, तो मैं जी प्रेस करूँगा और मैं वाई फ्रेम पर आ जाऊँगा। अब मैं दोबारा एक्सट्रूड प्रेस करूँगा और जी प्रेस करके इसको नेगेटिव की तरफ ले जाऊँगा और यहाँ तक मेरी ये टेल आ जाएगी। दोबारा जी प्रेस करके मैं सॉलिड व्यू में आ सकता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ से स्मूथ है, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक लूप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल बी से मैं इसको हल्का सा बेवल कर दूंगा, इधर आ जाऊंगा और दोबारा मैं इसको यहाँ पर बेवल कर दूंगा, ठीक है जी, कोई मसला। अब इसको हमने स्मूथ करना है तो हम क्या करेंगे, एडिट मोड से बाहर आके हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इसके बाद हम लोग इस पर राइट क्लिक करके इसको कर देंगे शेड स्मूथ, तो ये हमारा वैस रेडी हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को होपफुली ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस के अंदर ये बना, इसी प्रोसेस के अंदर ये वाला भी बना, ठीक है, ये भी यही बना, ये हम बना लेते हैं, ये वाला हम देख लेते हैं किस तरह बनेगा, ये देख लेते हैं, बल्कि आप लोग ना पहले ये बनाओ,